तो आज के इस टेक्निकल चैट शो में हम आपको बताने वाले हैं कि ईमेल और जीमेल में क्या फर्क होता है। दोस्तों, आपने डाकिया तो देखा ही होगा, डाकिया जो चिट्ठी लेके आता था, या फिर आप ये समझ लीजिए पोस्ट ऑफिस से जो लोग आते थे आपके यहाँ चिट्ठी देने या पत्रिका देने, आप उनको तो जानते ही होंगे। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है दोस्तों कि जो भी हमारी जो चिट्ठी लेके आता है वो डाकिया होता है, और जब हम किसी डाकखाने में जाते हैं तो वहाँ हम अपना पोस्ट करते हैं, तो किस पोस्ट से करते हैं, स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट। तो इसके उदाहरण से मैं आज आपको बताऊंगा कि ईमेल और जीमेल में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ईमेल के बारे में बताऊंगा कि ईमेल का मतलब क्या होता है। कि ईमेल दोस्तों हम उसे कहते हैं जिससे हम अपनी फोटोज, वीडियोस या कोई भी टेक्स्ट मैसेज वगैरह होता है उसे हम सेंड करते हैं, उसे ईमेल कहते हैं। दोस्तों इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि इसे ही ईमेल कहते हैं। दोस्तों जीमेल क्या होता है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जीमेल के साथ साथ दोस्तों और भी कई साइट्स हैं जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, उन सभी के बारे में बताऊंगा। और जीमेल क्या होता है ये चीज़ मैं आपको चलिए बता देता हूँ। दोस्तों जीमेल क्या है, जीमेल एक गूगल की एक सर्विस है जो गूगल हम लोग को प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर हमारी चिट्ठी डाकिया लेके आता है तो किसने भेजा, तो स्पीड पोस्ट से आता है या नॉर्मल पोस्ट से आता है या किसी कोरियर से आता है। आप जैसे DTDC कोरियर होती है या फास्ट एक्सप्रेस कोरियर होती है या एयर होता है, एयर कोरियर होता है दोस्तों। तो उस तरह से हमारा कोरियर जो आता है तो किसके थ्रू आता है, तो DTDC या जो भी मतलब हमारी सर्विस है उसके द्वारा आता है। इसी तरह गूगल की भी एक सर्विस है जीमेल, और बाकी तो आपने नाम सुना होगा। चलिए मैं उन सब का भी नाम आपको बता देता हूँ। याहू, हॉटमेल, आउटलुक, ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जीमेल में क्या डिफरेंट होता है। दोस्तों ये गूगल की सर्विस है जीमेल। जैसे कि हमने सबसे पहले हम ईमेल आईडी बताते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ईमेल आईडी बताया है कैसे बनती है। इस आई बटन में ये वीडियो है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि जीमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। तो जीमेल आईडी में जैसे ही हमने ये भी बताया हुआ है कि एक अपना यूज़र नेम सेट करते हैं, और यूज़र नेम सेट करने के बाद हम @gmail.com लगाते हैं, या @outlook लगाते हैं, या @yahoo लगाते हैं। तो हम इस तरह से जो भी लगाते हैं वो एक अलग ब्रांड है दोस्तों, जीमेल का एक अलग ब्रांड है। क्योंकि ये क्या होता है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कि हम आपके मैसेज को इजीली नेक्स्ट पर्सन तक डिलीवर करा देंगे। मोटा मोटी बात दोस्तों ये भी कि मैं आपको एक और एग्जांपल सेट कर देता हूँ कि जैसे कि आप दो लोग अब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे कॉल पर हैं, तो कहने का मतलब कि दोस्तों कैसे पता चलता है कि अगला बंदा कैसे कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो हम एक दूसरे से पूछ लेते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि नंबर देख के भी पता चल जाता है कि ये आइडिया का नंबर है, ये एयरटेल का है, ये वोडा का है। तो इस तरह से जीमेल, आउटलुक और याहू जैसे मैसेंजर जो हैं ये साफ तौर से लिखे रहते हैं कि ये हमारी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ईमेल और जीमेल में दोस्तों यही फ़र्क है कि ईमेल जो होता है जो हम लिखते हैं, यानी कि @2 कंपोज और CC और BC करके जो मैसेज हम लिखते हैं वो हमारा ईमेल हो गया, जो हम अपने यूज़र नेम के साथ लिखते हैं। और हमारे मैसेज को कौन सेंड करता है, तो जीमेल सेंड करता है दोस्तों। तो अदरवाइज़ अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि ईमेल और जीमेल में क्या फ़र्क होता है, तो आप उसे इजीली रिप्लाई दे सकते हैं कि ईमेल जो हम मैसेज लिखते हैं, जो हम अपना मैसेज क्रिएट करते हैं, मैटर जो भी लिखते हैं वो होता है, और जीमेल जो हमारी सर्विस को, जो हमारे मैसेज को, मैटर को पोस्ट करता है वो जीमेल होता है, याहू होता है, आउटलुक होता है दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मन में कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लास्ट की वीडियो जो मेरी जियो के रिलेटेड है, जियो से जियो का जो नया सेगमेंट आया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगी साइड में। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।